वेलकम फ्रेंड्स, जीरो लेवल की स्पेशल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देखेंगे डेमो क्लास का 6वां भाग। चौथा भाग कल आपने देख लिया था, अगर आपने ज्वाइन किया था तो आपको 5वां भाग भी मिल गया होगा। अगर आपने नहीं किया था तो हो सकता है आपको 5वां भाग ना मिला हो। चलिए टाइम ना गवाते हुए हम आज देखेंगे LCM और HCF। दोस्तों, जैसे हमें घर बनाने के लिए पहले मोरंग, सीमेंट, गिट्टी, बालू, लोहा, लंकड़ इकट्ठा करना पड़ता है, वैसे अगर LCM HCF हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमें गुणनखंड और गुणनफल के बारे में समझना होगा। मतलब इसका समझ रहे हैं, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मतलब इसका इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसे, फैक्टर बोलते हैं, ठीक ना, इंग्लिश में। तो प्रोडक्ट और फैक्टर क्या होते हैं पहले गहराई से समझेंगे, उसके बाद फिर हम LCM HCF पे चलेंगे, क्योंकि अगर हमें ये चीज़ें आ जाएंगी तो ये आसान हो जाएगा, खुद कर ले जाओगे। ध्यान से देखना, क्लास को पूरा देखना, समझ में आने की पूरी गारंटी होगी, बस छोड़ के मत जाना। देखिए, गुणनखंड क्या होता है, अगर किसी संख्या को हम जब सिंप्लीफाई करते हैं, एकदम हल करते हैं, तो जो छोटे छोटे पार्ट में उसको बांटते हैं उसी को गुणनखंड कहते हैं। जैसे देखो, 4 को हमने 2 × 2 लिख दिया, ये क्या हुआ, 4 का गुणनखंड हो गया। क्या हुआ, 4 का गुणनखंड यानी कि फैक्टर। यानी अगर कोई बोले व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ 4, तो आप बता सकते हो 2 × 2। 2 × 2 क्या है, ये 4 का फैक्टर है। इस तरह से आप लिख सकते हो 16 के फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2, ये फैक्टर हो गया। और आपको और भी अच्छे से मैं बता देता हूँ गहराई से, ज़रा ध्यान से देखना। जैसे हमने लिखा 4 को 2 × 2, ये फैक्टर हो गया ना, ज़रा डिफरेंस समझना। उसी तरह से अगर 2 और 2 का मल्टीपल कर देते हैं तो जो हमें 4 प्राप्त होता है, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब जानते हैं, जैसे कहते हैं कि पतंजलि का प्रोडक्ट। तो पतंजलि का प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, कि वो सामान जो पतंजलि के द्वारा बना हुआ है, मतलब आपको मिलता है, जैसे पतंजलि का प्रोडक्ट कोई आप साबुन ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए, तो उसी तरह से आप क्या, ये एक प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है, लेकिन ये 4 का है, मतलब 4 का क्या है, ये प्रोडक्ट है, क्योंकि 4 को बिखरा करके देखिए बना हुआ है ना, बात समझ रहे हो ना। तो उसी तरह से 2 × 2 अगर इसको 4 बार गुणा करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, वो क्या मिलता है, 16। जैसे आप एक काम करिए, चीनी ले लीजिए, दूध ले लीजिए, उसमें चाय पत्ती डालिए, आप उसको बनाओगे तो एक चाय बनेगी, चाय क्या, एक प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब कई चीज़ें मिला के बन गया ना, आपको मिठाई बनाना है, खोवा लीजिए, चीनी लीजिए, दूध मलाई जो भी लीजिए, मिला करके बनाइए, तो जो मिठाई बन के तैयार होगी क्या होगा, वो एक प्रोडक्ट होगा। तो उसी तरह से ये सब खोवा, चीनी, दूध, मलाई अलग अलग है, इनको मिला करके तो एक प्रोडक्ट ये हमें मिलता है। मतलब अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। इसमें एक दो एग्जांपल हम आपको और भी दिखा देते हैं, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, ठीक ना। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 28, ठीक है, चलिए इसका गुणा इसको काट देते हैं, 2 से काटेंगे 14 आएगा, इनकी 14, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7, और फिर 7, 2 × 4 = 7 = 28। यानी कि इसके जो फैक्टर आए वो 2 × 2 × 7 आया, क्या आया, 28 के फैक्टर 2 × 2 × 7। अब आप क्या करोगे, ज़रा ध्यान से देखना, गुणनफल क्या होगा, ये तो गुणनखंड हो गया, फैक्टर हो गया। यानी कि अगर कोई बोले कि फैक्टर ऑफ 28, तो फैक्टर ऑफ 28 क्या बताओगे, फैक्टर ऑफ 28 आपका हो जाएगा 2 × 2 × 7, ये 28 का क्या हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक। अब अगर आप 2 × 2 × 7 इसका मल्टीपल कर दोगे तो क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 7 = 28। मतलब अब आप समझ गए होंगे 28 क्या है, ये प्रोडक्ट है। जैसे आप इसको मान लीजिए ये चीनी है, ये क्या है, दूध है, और ये आपका किशमिश बादाम है, ठीक। तो चीनी, दूध, किशमिश, बादाम आप एक में मिलाओगे, सब कुछ मिला करके जब तैयार करोगे तो जो आपकी बर्फ़ी बनेगी यानी कि मिठाई बनेगी, वो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब अब आप इससे अच्छा से तो अब नहीं समझा सकते, समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अब हम LCM HCF करेंगे तो उसे ध्यान से देखना कैसे समझेंगे, उसको तो हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ और भी अभ्यास के प्रश्न आपको दिखा दें, जिससे कभी ना भूलो आप, ठीक है। तो जल्दी से बता दो आंसर फटाफट, 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, मुश्किल से 20 सेकंड का टाइम है। 32 का गुणनखंड क्या होगा, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 32, ऑप्शन देखिए A, B, C, D। तो सिंपल सी बात है, 2 × 7 = 14,
और 14 का 4 में मल्टीपल करोगे कितना आएगा, 56 आएगा। सो दिस ऑप्शन इज बिल्कुल रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है, नहीं सही है। 2 2 जा 4, 2 जा 16, 2 जा कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32 नहीं हुआ ना, ये भी गलत है। इसको कर लो ये सही हो जाएगा। देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ऑप्शन नंबर सी सही। बात समझ में आई ना, यानी कि इसको कंप्लीट गुणा करने के बाद क्या आए आपका, ये आ जाए, मतलब कि ये क्या है, फैक्टर है। ये क्या दिया गया है, ये क्या है, फैक्टर है। ये क्या है, प्रोडक्ट है, मतलब वो प्रोडक्ट आना चाहिए। अभी हमने आपको दिखाया था ना इधर करके, उसी तरह से अगला कर ले जाओगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 6 3 18, वो गलत है, ये सही है। 2 3 जा 6 7 जा 42, बात समझ में आई, जल्दी से नोट कर लो फटाफट, फिर हम लोग आगे चलते हैं। और भी क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग करके लेके आना। अब देखिए एलसीएम एचसीएफ पे आ गए, कुछ चीज़ें हम पहले से लिखे रहेंगे जिससे आपको टाइम बचाना है ना, कुछ लोगों को नहीं हजम होगा तो वो थोड़ा कोशिश करेंगे। देखिए 2 से भाग किया 12 को तो कितना आया, 6 आएगा। नीचे लिखेंगे, मैं आपको इधर तरीका बता देता हूँ जिन लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है कैसे आया। ऐसे आपको 2 से 12 में भाग करना है, भाग करोगे तो ऊपर 6 जाएगा ना, तो 6 को यहाँ लिखोगे। अब फिर 2 से भाग करोगे 6 में तो कितना बार जाएगा, ऊपर 3 बार जाएगा, जो कि 3 नीचे लिखोगे। तो वैसे हमने इसको कर लिया है, ये क्या है, ये हमने इन नंबर का क्या कर लिया, इन नंबर का फैक्टर निकाल लिया। तो चलिए लिख लेते हैं, ये हम देख रहे हैं भाग विधि से, कौन सा विधि करें, भाग विधि करें कि गुणनफल विधि करें, गुणनफल जल्दी से बताओ। पहले हम गुणनखंड विधि से कर देते हैं, ठीक है। तो 12 इसको लिख लिया, इसको 18 लिख लिया, यानी कि 12 और 18 लिख लिया। अब देखो 12 के जो फैक्टर हैं वो क्या क्या हैं, ये 2 2 3, तो आप लिख लो 2 मल्टीपल लगा के 2 और 3। 18 के जो फैक्टर है ज़रा ध्यान दो, 2 3 3, तो आप लिख लोगे 2 3 और 3, ये हो गया 18 का फैक्टर, ज़रा ध्यान देना। अब इसी तरह से हम इधर भी करेंगे HCF में भी, ये HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये है LCM, ज़रा ध्यान से देखना दोनों में क्या अंतर होता है, कभी ना भूलोगे लाइफ में। इसको भी ऐसे लिखोगे क्योंकि इसमें भी वही फैक्टर आएगा, कुछ और नहीं आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, ज़रा ध्यान देना। ये हो गया ना पहली प्रक्रिया, अब इसका काम ख़त्म हो गया इधर। अब दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, ज़रा गौर से देखना है, आँख खोल करके बहुत ध्यान से, कि दोनों में सेम टू सेम नंबर कौन कौन मिल रहे हैं। ये मिल रहा है, देखो 2 मिल रहा है ना, इसमें भी क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, मिल रहा है। उसको आप चुपचाप नीचे लिख लेना, यहाँ पर लिखना है LCM ऑफ 12, 18, और नीचे लिखना है दोनों में मिल रहा है 1 2, उसको लिख लिया, क्लियर, बात ख़त्म हो गई इसकी। इसको चाहे तो काट दो, इसकी बात ख़त्म, लेकिन आप काटना मत पेपर में। अब देखो इस 2 का कोई जोड़ीदार है इसमें, नहीं है, इसको छोड़ दो, ये छुट्टा हो गया। 3 का देखो इसमें है कोई, है, चाहे इसके नीचे हो चाहे इधर उधर कहीं भी हो, तो ये 3 का ये जोड़ा इसमें है, तो हमने क्या किया, 3 को भी लिख दिया। लेकिन LCM में एक बहुत अच्छी बात, ये अच्छाई होती है कि किसी को छोड़ता नहीं है, सबके साथ समान व्यवहार, जिनका जोड़ा नहीं बना था भाई उसको भी अपने साथ लेके चलता है ये। तो जो 2 बचा था ना बेचारा अकेला मायूस हुआ था, इसको भी साथ में ले लेगा, और जो नीचे 3 एक मुरझा रहा है इसको भी साथ में ले लेगा। बात समझ में आई, सभी का मल्टीपल कर दो, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 36, हिंदी में बोल दो तो 2 3 6, 6 2 12, 12 3 36, तो इस तरह से कितना आएगा, 36, ये क्या आ गया आपका, LCM आ गया, किसका किसका, 12 और 18 का, बात समझ में आई। ये है डेमो क्लास, याद रखना डेमो में जो मिल रहा है ना इसका 100 गुना ज़्यादा मिलेगा अगर आप ज्वाइन करोगे क्लास, तो याद रखना। और ये मत सोचना डेमो में सब कुछ मिल जा रहा है, अभी तो ट्रेलर है, ये मूवी तो देखा नहीं आपने, जब ज्वाइन करोगे तब मूवी दिखाएंगे। आगे चलें, हाँ तो इसमें देखिए कैसे करेंगे, ये तो हो गया, इसमें भी आपको वही करना है, पहले जो दोनों में मिल रहा है उसको लिख लो, यहाँ पर आपको लिखना है HCF ऑफ 12, 18, दोनों में जो मिल रहा था वो था 2, मैंने लिख लिया। अब ये 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है ना, तो मैंने क्या लिख लिया, 3 भी लिख लिया। इसकी एक बुरी बात ये है कि जिसकी जिसकी जोड़ी होती है उसको उसको ये लेता है साथ में, बाकी सबको भाई काट कर देता है, अब इन दोनों से कोई मतलब, इनको छोड़ देगा बेसहारा।
इनका गुणा कर लोगे कितना आएगा, 6। यानी कि आपका जो एच सी एफ आ गया 6 आ गया, एल सी एम आ गया 36। बात समझ में आई? तो ये होता है एल सी एम, ये होता है एच सी एफ। लाइफ में कभी ना बोलोगे, जिसको ना आता है वो सीख जाएगा आज। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया इस क्लास को तो बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक तुरंत कर दीजिएगा। और पी बी आर स्टडी इलाहाबाद को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप पी बी आर स्टडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करके फॉलो कर दें, अभी बहुत कुछ बाकी है। एल सी एम तो आपने कर लिया, एच सी एफ भी कर लिया, तो क्या यहीं पर ख़त्म हो गया? नहीं, अभी नहीं, कुछ ऐसा भी बात इसमें हम आपको बताने वाले हैं जो आप कभी ना भूलोगे। ज़रा ध्यान से देखना, पूरा क्लास देखना, जाना मत कहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। आपने देखा कि 12 एंड 18 का जो एल सी एम आया वो 36 आया था ना। 12 और 18 का जो एच सी एफ आया था वो 6 आया था, सबके सामने आया था, कोई चोरी चुपके नहीं, आपने देखा था, है ना। आइए आपको बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको एक काम करना है कि यहीं से नंबर शुरू करना है, मतलब इसी का टेबल लिखते जाना, इसी का। तो चलो लिखते जाते हैं, 12 का टेबल लिखेंगे तो क्या होगा, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 12 फोर जा 48, 12 फाइव जा 60। हिंदी में पढ़ना जानते हो ना, 12 दूना 24, 3 36, 4 48, 5 60। और फिर इसी तरह से 18 का करोगे तो 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 54, 18 फोर जा 72, 18 फाइव जा 18, 5 90 होत ना। ठीक, बात समझ में आई? ज़रा ध्यान देना, एक दूसरा तरीका है एलसीएम निकालने का, इसमें हम आपको और भी कुछ बताने वाले हैं। आपको पहाड़ा लिख लेना दोनों नंबर का, लेकिन यहाँ पर आफत आपके लिए तब आएगी जब ये संख्या 18 12 ना होकर के 101 128 हो जाएगी, तो पहाड़ा कैसे लिखोगे? तो पहाड़ा ना लिख पाओगे, उस दशा में आप गुणनखंड करोगे जो पिछला मेथड बताया था। छोटे छोटे नंबर का आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। अब आप देखो इसमें 18 है 12 है, नहीं है ना, 24 है दोनों में, नहीं है, 36 है दोनों में, है, जरा गौर करो तो 36 है, ये देखो है ना, मिल रहा है ना। क्या 36 के पहले और कोई नंबर था जो दोनों में मिल रहा था? जल्दी से कमेंट करके बताओ, था कोई नंबर जैसे 24 12 18 कोई था? नहीं था, ऐसा कोई नंबर नहीं था जो दोनों में मिल रहा हो। 36 के आगे कोई नंबर होगा जो दोनों में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, जरा एक स्टेप आगे चलो, 12 5 60, 12 6 72, देखो मिलेगा। अब आप गौर करो तो 72 इसमें भी है, इसमें भी है ना। आप लोगों को सवाल ये होना चाहिए कि सर ये बताइए, 36 तो आपने एलसीएम लिख दिया, आखिर 72 भी तो दोनों में मिल रहा है, इसको क्यों नहीं लिखा, इसको क्यों नहीं लिखा, आखिर इसका जो एलसीएम है वो 72 भी होना चाहिए, 36 भी होना चाहिए, दोनों कैसे नहीं हो रहा है? इसका रीजन ये है कि यहाँ नाम देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में मिले और सबसे छोटा हो, तो सबसे छोटा 36 है ना, ये तो उससे बड़ा है ना, इसलिए ऐसा हुआ। बात समझ में आई ना, एकदम निचोड़ आपको बताएंगे, इसीलिए तो ऊपर लिखा है ना कि अगर मैथ ना सिखा दिया तो चैनल डिलीट कर दूंगा। भाई पूरे जीवन की कमाई है चैनल, ऐसे कोई कैसे क्यों डिलीट कर देगा, तो इससे अच्छा आपको सिखाना ही आसान है ना। बात समझ गए ना, तो ये आप इसमें समझ गए, अब इसमें चलते हैं। देखिए एक बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया क्लास तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ये ट्रेलर देख रहे हो अभी, इससे ज़्यादा इसमें बहुत कुछ है। हाँ जी बिल्कुल, अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको बेसिक में बहुत कुछ सिखाया जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, उम्मीदों से ज़्यादा मिलेगा, बस ज्वाइन करना है आपको। और अगर आप हमें सब्सक्राइब करके रखोगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर लाइक करके, तो भी बहुत कुछ मिलता रहेगा। इसको देखते हैं, इसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ज़रा ध्यान देना। इसमें हम एक ऐसी संख्या लेते हैं, इसका जस्ट अलग होता है, जिससे दोनों कट जाए, ठीक ना, एक ऐसी संख्या लेंगे जिससे दोनों कट जाए। तो एक से भी कट जाएगा दोनों, एक से भाग करो 12 में कट जाएगा, एक से भाग करोगे 18 में 18 भी कट जाएगा, दो से भाग करोगे दोनों में तो दो से भी कट जाएगा, कट जाएगा ना, और तीन से भाग करोगे तो तीन से भी ये दोनों कट जाएगा ना, क्योंकि इसका नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें फैक्टर निकालना है, ज़रा ध्यान देना। चार से भाग करोगे ये कटेगा ये नहीं कटेगा, चार नहीं होगा, पाँच से करोगे नो, छः से करोगे हाँ, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बाकी और कोई नहीं होगा। अब आपका सवाल होना चाहिए कि भाई एच सी एफ तो ये सभी होने चाहिए, एक दो तीन चार छः, एक दो तीन छः ना, लेकिन ज़रा ध्यान से देखो यहाँ लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
बड़े से बड़ा फैक्टर मतलब सबसे बड़ा जो है क्या है, गुणनखंड, उसको आपको लिखना है। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन है, छः है ना, इसलिए ये क्या हुआ, छः हो गया इसका एच सी। अब बात समझ में आई ना, बिल्कुल। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि पूरी 100% गारंटी के साथ आपको मैथ सिखाते हैं। अगर आप देखोगे एक दो क्लास तो आपको खुद ही फील होगा, खुद ही महसूस होगा कि हाँ भाई कुछ हजम हो रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, जो कि आपको कहीं नहीं पड़ा होगा, है ना। बात समझ में आई, तो जल्दी से जिसको जिसको नोट करना है इन सब बातों को नोट कर लें, और आप एक नोट्स अवश्य बनाएं, एक कॉपी बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। आपने गुणनखंड विधि से देख लिया, अब ये है भाग विधि। देखिए भाग विधि में एच सी एफ कुछ ऐसे ही करते हैं, एल सी एम कुछ ऐसे करते हैं। अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो इसको आपको भेज दिया जाएगा, देख लीजिएगा। अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, इसको हम आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इस डेमो क्लास में हम इसको नहीं बताने वाले, ठीक है। इसके लिए आपको ज्वाइन अवश्य करना होगा। एक विधि आप जान गए हैं, उसी का यूज करें, और अगर करना है तो ज्वाइन कर लें। आप लोगों की शिकायत होती है कि अभ्यास नहीं करवाते हैं ना, तो आपके सामने अभ्यास प्रश्न है, जल्दी जल्दी से जवाब दो फटाफट, उसके बाद हम आगे चलते हैं। बहुत जल्दी से टाइम नहीं है, बहुत कम समय है, मुश्किल से 20 से 30 सेकंड का टाइम है। 18:45 का एलसीएम क्या होगा, ऑप्शन है 45, 90, 105 एंड नन ऑफ दी, यानी कि अनॉट। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है 12, 18, 30 का एलसीएम क्या होगा, हमने तीन संख्या का एलसीएम तो नहीं बताया, लेकिन आपको बता दिया जाएगा, आप उसी तरह से करिएगा, जल्दी से बताओ कितना आएगा, तुरंत कोशिश करना है। छठवा नंबर सवाल और सातवां नंबर सवाल जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट, हर एक क्वेश्चन का जवाब हर कोई कमेंट करेगा, अगर आप सीखना चाहते हो तो, नहीं सीखना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा। हो गया कमेंट सभी का, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कर दिया होगा। एलसीएम के बाद एचसीएफ भी आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दो फटाफट। आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां क्वेश्चन का जरा ध्यान से देखना सवाल क्या कह रहा, नहीं समझ में आएगा तो बताना। 6 और 10 का एच सी एफ क्या होगा, तरीका जैसे बताया वैसे करना और कमेंट करके तुरंत बताना। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को पुश करो जल्दी से, वीडियो को पोज करके जल्दी से और लगाइए, ठीक ना, टच करेंगे तो रुक जाएगा और फिर लगाइए अपना। 9वां में बताइए 18, 28 का एच सी एफ क्या होगा, जल्दी से और फट से तुरंत। 10वां और 11वां हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कॉपी पेपर ले करके बैठे, क्योंकि यहाँ पे कोई मूवी नौटंकी नाच नहीं होती है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को कॉपी में नोट करें, नोट्स बनाएं और समझें, और रेगुलर आपकी क्लास का टाइम सुबह 5 बजे से आपको फर्स्ट टाइम वीडियो दिखाया जाता है, शाम को 7:30 बजे भी होगी आपकी क्लास, जैसे होती थी हमारी कोशिश होगी 2 क्लास चलेगी, लेकिन आप लोग उसके लिए सहयोग करेंगे तब। जिन लोगों को ज्वाइन करना है इस नंबर पर, उनको मैसेज करना है जो ऊपर दिया गया है, और ये बातें वहाँ पर लिखना है, ज्वाइन JLM। तो दोस्तों अगर आप वास्तव में मैथ सीखना चाहते हो तो घर बैठे सीख सकते हो, ओनली इसके लिए आपको 549 का पे करना होगा अगर आप WhatsApp पे ज्वाइन करोगे तो। अगर आप WhatsApp पे नहीं ज्वाइन करोगे तो YouTube पर देखने का आपको कोई भी चार्ज नहीं है, YouTube पर आप बिल्कुल फ्री देखिए, एक भी रुपया नहीं देना है, केवल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना है, बस इतना ही करना है, ठीक ना। लेकिन अगर WhatsApp पे ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी फैकल्टी मिलेगी, जैसे आप सवाल पूछ पाओगे, अपने डाउट क्लियर कर पाओगे, इसके अलावा कुछ क्लास YouTube पे नहीं होती है वो आप WhatsApp पे डायरेक्ट पा जाओगे तो वहाँ से देख पाओगे, और भी बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं। तो अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो YouTube पे कुछ क्लास तो मिलेंगे ही, उसे आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। कोई और सवाल है तो आप निसंकोच कमेंट करिए, और हाँ क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक अवश्य करिएगा। आगे चलें, देखिए मित्रों कुछ लाइव क्लास का यहाँ पर हम आपको टाइम भी दिखा देना चाहते हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे ध्यान से देखिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्लासें होती हैं जो कि आपको टाइम टाइम से अपडेट किया जाता है, डिस्क्रिप्शन देखिएगा वीडियो के, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। डेली लाइव जो होता है आपका, या नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है, क्लास सुबह सुबह स्टार्ट होती है 5 बजे जीरो लेवल मैथ, उसके बाद 7 बजे से होता है करंट अफेयर, सुबह 8 बजे से होती है कक्षा 10 की NCERT गणित, जो कि सभी बोर्ड और सभी राज्य के अभ्यर्थियों के लिए मान्य होती है, क्योंकि NCERT पैटर्न पर होती है। रात 8:30 बजे से ट्रिकी मैथ होता है, RRB, NTPC, SSC, MTS, TET, CTET और अन्य परीक्षाओं के लिए, जो कि एक मास्टर क्लास होती है रात्रि 8:30 बजे से। इसके अलावा 9:30 बजे से DLED की थर्ड एंड फर्स्ट सेमेस्टर होता है, और 10:15 से DLED की अगली क्लास होती है सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर। ये कौन सा सेमेस्टर कब होता है कैसे, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन अवश्य देखें। अभी और भी बहुत सारी क्लासें हैं जो कि यहाँ पर हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखते जाइए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, आपको बहुत सारी क्लासें मिलेंगी, उम्मीद से ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तब।
ठीक है। और कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप उसे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, निसंकोच बोल सकते हैं, आपको इसके लिए कोई भी टेंशन नहीं लेना है। तो आज की ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद जय भारत। अगर कोई गलती हुई तो माफ़ करिएगा, कोई सुझाव है तो अवश्य कमेंट करिएगा। अगर क्लास में कोई बदलाव चाहते हैं कि कुछ गड़बड़ है, आपको कुछ और होना चाहिए क्लास में, तो उसको हम ज़रूर कोशिश करेंगे। जैसे आप लोगों ने कहा था, बहुत से स्टूडेंट बोलते थे कि भाई क्लास जब लाइव होती है बात ज़्यादा बातचीत हो जाती है, क्लास डिस्टर्ब होती है, वो मैंने नोट किया और बहुत से कंप्लेन आई, जिसकी वजह से हमने ये निश्चित किया कि मात्र 20 मिनट की क्लास में आपको 3 घंटे का मटेरियल दे दिया जाए। बिल्कुल, अगर आप पहले का लाइव देखिए तो जितना आपको मिलता था 3 घंटे में, उतना अब आपको 20 मिनट में मिल जाएगा। तो क्लास को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। फिर से मिलते हैं अगली क्लास के साथ, अगली उम्मीद के साथ। याद रखिएगा, उम्मीदों को कभी खोया नहीं करते, मंजिल हो अगर दूर तो रोया नहीं करते। थैंक यू।